बताइए कि आखिर आपके लिस्ट में नंबर 8 पर कौन है? मी? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड रामचंद्रन। ये कह रही है मी? मी? तू? अभी तो कहा था जो कुत्ते भौंकते वो काटते नहीं है। नहीं यार, तेरे लिए तुझे इतनी उम्मीद थी, तेरी उस उम्मीद के लिए मैं नाचूंगी। आपके हिसाब से रक्षंदा नंबर 8 पर है और आपके हिसाब से उनके ज्यादा बॉयफ्रेंड्स नहीं है? नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड्स नहीं है ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा इसे हमने मदर इंडिया का जो खिताब दिया है वो ऐसे ही थोड़ी ना दिया है इस शो पर। तो मेरे हिसाब से ये नंबर 8 पे बिल्कुल परफेक्ट है। We are not satisfied. Darling, you are new. You don't need to be satisfied. You are not satisfied. Just be excited. That you are. दराज आप बताइए आपके लिस्ट पे नंबर 8 पर कौन है? Oh my God, मेरे लिस्ट पे नंबर 8 है पारुल। क्या? I love you. She is the only female who can actually, you know, actually जिस तरह से वो जय पे टूट पड़ी, you know, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे कभी अफेक्ट किया ही नहीं होगा। इसलिए जब से वो एक लड़के को देखा, she just टूटो फाइट ऑन हिम। ये वैलिड पॉइंट है, ये एक अच्छा नजरिया देखने का, जो बादल गरजते हो बरसते नहीं है। अरे नहीं देखो, तनाज का बहुत सीधा लॉजिक है। इफ यू बीन डाइटिंग फॉर टू लॉन्ग, अचानक चीज बर्गर दिख जाए तो वो खा जाएंगे। अरे वैसे भी ये पर्सन है, इसके रैंकिंग का कोई मतलब नहीं। For 10 years. Oh my God, are you listening, boyfriend? You were a sizzler to her. पहले sizzler था, अब बेचारा fizzler हो गया। कश्मीरा, आप बताइए कि आपके हिसाब से उर्वशी के कितने boyfriends हो चुके होंगे अभी तक? मुझे लगता है कि definitely 6. 6. 6. Is that close to home, उर्वशी? और उस बीच में आता है one night stand. तो कौन सा चाहिए? तो तेरे मुंह में घी शक्कर जिस दिन ये सच हुआ, अभी जिस दिन मुझे 6 मिले ना, छह एक साथ नहीं उर्वशी, अरे एक के बाद भी एक छह एक साथ। इतना पोटेंशियल नहीं है उसमें। कश्मीर आप बताइए कि करिश्मा के कितने बॉयफ्रेंड्स होंगे? इतनी हॉट लड़की के एटलीस्ट 8 तो होने चाहिए। क्या ये सही थी, ये भविष्यवाणी सही थी? मेरे 4 बॉयफ्रेंड्स थे। और फ्लिंग के साथ मिलाकर 6। ए तूने क्या 6 साल की उम्र से शुरू किया था? 18 साल से चालू नहीं कर सकती मैं? चलिए अनमोल, अभी आप पर आते हैं। ये बताइए आपके कितने अफेयर्स हो चुके हैं? मेरे टोटल मिला के अभी तक सब कुछ मिला मुलू के 6। अरे बाप रे, सब मिला मुलू के? मिला मुलू के, मतलब मैं अपना हिसाब पूरा अगर बैलेंस शीट देखूं तो बनता है 6। वन नाइट स्टैंड्स, बॉयफ्रेंड्स एंड अफेयर मिला के 6। इनके पैर छूने पड़ेंगे बाबा, इनके पैर छूने पड़ेंगे बाबा। मतलब ये कौन से शुरू की? एट 21 आपके 6 बॉयफ्रेंड्स? वो भी सीरियस? वो भी सीरियस? उन्होंने 18 की उम्र में शुरू किया था, मैं अनमोल से पूछ रहा हूँ। करिश्मा आप बताइए आपके लिस्ट पे नंबर 8 पर कौन है? पेटेंट है यार उर्वशी ढोलकिया।
इसने तो मुझे किसी लायक कभी समझा ही नहीं। इसी तो वजह से कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं आ रहा है। क्योंकि इनकी शादी हो चुकी थी। जितनी बिजी है बच्चों में तो मुझे नहीं लगता कि उनको अफेयर्स के लिए टाइम है जरा भी। यार मुझे पहली बात तो अपने बच्चों को ना तुम जैसियों से तो दूर रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम लोगों ने 14 में शुरू किया, 18 में शुरू किया। 18 इज अ नॉर्मल एज डूड। सबसे पहले ये बताओ कौन से वाले डूड से बात कर रही हो? देख डूड तेरे बगल में है। चुप रे। तेरे बगल ये डूड है, ये दूधी है। चलिए तो नंबर 8 पर उर्वशी ने रखा है रक्षंदा को, यानी कि रक्षंदा यूजलेस है। नंबर 7 पर उर्वशी ने रखा है अपने आप को, मतलब ये रक्षंदा से थोड़ी कम यूजलेस है। अब देखते हैं कि नंबर 6 पर उर्वशी ने किसे रखा है। उर्वशी आपका नंबर 6। टेन टेन द पीएचडी ऑफ। इसे गलत जवाब। गलत जवाब। क्या करूं? नहीं हो सकता। काश साला पहले मालूम होता। कश्मीरा मैं हूं मैं। आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर हम एक दूसरे के कपड़े को रैंक करना हो तो शुरुआत करते हैं पारुल से। ये बताइए कि सबसे वाहियात ड्रेसिंग आज किसकी है? मेरे हिसाब से कश्मीरा का ड्रेसिंग सेंस मुझे आज अच्छा नहीं लगा। आई थिंक शी इज अ ग्रेट बॉडी, लेकिन आज जो उन्होंने कुछ फ्लोरल सा प्रिंट पहना है मुझे वो थोड़ा आउटडेटेड लगता है। और मुझे लगता है जो आज हम सब लोग गुजराती में बोलते हैं गांडो डायोनो सला आपे छे। गधा 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 एक सयाने औरत को सिखा रहा है एक लड़की के कितने कितने रूप बाहर निकाल सकती है। देखो देखो लोगों आज सीरियसली मानक के लिए। रक्षिता ये बताइए कि सबसे वाहियात ड्रेसिंग आज किसकी है? यार दो ऑप्शन हो सकते हैं, फ्रंटल और एक बैक। तो हम शुरू करते हैं बैक से। वाहियात नहीं मतलब वाहियात खूबसूरत तरीके से, लेकिन मतलब इतना सरफेस एरिया आज नजर आ रहा है और फुल्ली ऐसे चाइनीज चेकर्स की तरह उनकी बैक बनी हुई। खड़े हो जाओ रागिनी। ओके देखो और देखो कि मेरे अंदर का भास्कर कितना है और कितना नहीं है। ऐसा कर सकता है। ये बताइए कि आपने कहा बैक से, अभी फ्रंट फ्रंट वाली जो बात कह रही थी आप। फ्रंट के हिसाब से मुझे ऐसा लगा वो इंसान जिसको राजकुमार के मफलर में बांधा गया है। ये फैमिली पे अटैक है, ये साजिश है। ये साजिश नहीं है, ये वो फैमिली है जो मतलब कुछ भी छुपा के नहीं रखना चाहती। सारे सीक्रेट आउट इन दी ओपन। ये सीक्रेट नहीं है, भगवान की देन है। भगवान की देन वापस भगवान के पास चली गई। तुमने बड़ा कंजर्वेटिव कपड़े पहने। अल्टर नेक। आई थिंक शी इज लुकिंग लाइक अ बबल गम। वुड यू लाइक टू च्यू ऑन मी? ये बेबी कम ऑन बेबी। चलिए रागिनी आप बताइए कि यहाँ पर सबसे बुरा ड्रेसिंग सेंस इसका है। आई डोंट लाइक व्हाट पारुल इज वेयरिंग। I want to kill my designer now. गलती कभी-कभी हो जाते हैं पारुल, just stand up. अच्छा एक बात बताओ, you want to kill your designer? क्यों तुम्हारी अपनी अकल का घास चलने गई थी? चलिए कश्मीरा ये बताइए। Please eliminate this question because I agree it's me, hands down it's me. Please. चलिए आप बेस्ट भी बता दीजिए। मुझे बेस्ट अनमोल की लगी क्योंकि वो बैंडेज ड्रेस काफी इन स्टाइल है। कुछ तो अच्छा बोला। I don't like Anmol's dress. I'm sorry. I think ऐसा लग रहा है कि उसने एक अलग से स्कर्ट और टॉप पहना है और कुछ नहीं मिला तो नेट लेके उसे स्टिच कर दिया। चलिए रागिनी ये बताइए कि आपको किसकी मेकअप पसंद नहीं है? I don't like Anmol's makeup and her hair also. क्यों?
I thought my hair was looking nice today. No, I think you should have washed it and conditioned it properly. Oh. Oh. These are extensions. I'm sorry, Lenny. Washed your extensions properly. आपको देख शब्बीर तुम बहुत ही चीप बहुत वेरी सस्ता सो इन ऑल फॉर द होल लुक I think 4/10. I would give Ragini 0. Oh, I would give minus. She is bad. Poor baby. No, I sympathize with you. Some heated Ragini. Disgusting. ऐसे लड़की को flat का बोल रही है इतना horrible इसने puff बनाया हुआ है और puff भी इतना गंदा बनाया ऐसे लगा अंडा रखा हुआ है. I agree. और चपट यार से करिश्मा you just getting back in the dark. I didn't like it. Even I didn't like it. कोई बात नहीं करिश्मा तुम्हारी और मेरी choice ना लड़कों में मिलती और ना लड़कियों में. I love you, Rakshanda.